हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉल पुट्टी के फर्स्ट एंड सेकंड कोट दोनों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिल जाएगी। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी सरफेस पर हमें वॉल पुट्टी करने से पहले उसे सफाई करनी पड़ती है। तो हम प्लास्टर पर करें तो उसे पहले लूज पार्टिकल और डस्ट पहले साफ कर लेते हैं वॉल पुट्टी के ब्लेड से, और देख सकते हो फिर उसके बाद हम आडा कोट लगा रहे हैं अभी वॉल पुट्टी का फर्स्ट कोट का। हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो कोने होते हैं दो एजेस से दीवार पर पड़ते हैं, वहाँ पे पुट्टी पर कुछ इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन करके वो पहले कर्व कर लेना है, यानी कि वो पार्ट अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि हम आगे की जो भी प्रोसेस करें दीवार के बीच में वो फिनिशिंग हमें अच्छे मिले और वहाँ कोने की हमें टेंशन ना रहे। तो इसकी वजह से पहले हमने कोना करवा लिया है। और उसके बाद दोस्तों आप जब भी करो तो फर्स्ट कोट अगर आप आड़ा कर रहे हो तो हमेशा आड़ा ही करना पूरी दीवार पर, कहीं पे आड़ा कहीं पे सीधा ऐसा मत करना कि दोस्तों उसकी वजह से हमारा जो फिनिशिंग है उसमें दूसरे कोट में तकलीफ़ आ सकती है, क्योंकि वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छे नहीं आता है। और एक और बात मैं दोस्तों आपको अभी बताना चाहूँगा, वॉल पुट्टी हमेशा हम दोस्तों इसलिए करते हैं कि हमारी वॉल पर फिनिशिंग आए, ना कि हम उसके ऊपर बड़ा लेयर चढ़ा सके। मैंने कई वीडियो में ऐसे देखा हुआ है कि वहाँ पे वॉल पुट्टी को हम सिखाते हैं तो काफ़ी गाड़ी या फिर मोटा लेयर लगा के आपको दिखाते हैं कि ये इतना लेयर हमें लगाना चाहिए। पर दोस्तों मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, वॉल पुट्टी जितनी पतली लेयर होती है उतना काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि जितना पतला लेयर होगा उतने पपड़ी बनने का चांस काफ़ी कम रहता है। जितना मोटा लेयर होता है उतनी पपड़ी ज़्यादा बनती है, और वो फिर आगे हमें पपड़ी बन के जल्दी गिरना स्टार्ट होती है, इसलिए हमेशा पतला कोट ही लगाए। उसके बाद आप देख सकते हो मैं दूसरे कोने पर भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था सेम प्रोसेस है। सीमेंट के डस्ट वगैरह पहले मैं साफ़ कर लिए और उसके बाद उसके ऊपर कोट करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जैसे हमने किया तो आप नीचे देख सकते हो वॉल पुट्टी हमने ली है और कुछ इस तरह से ब्लेड पर घुमा दिया, और फिर सीधा यानी कि जो हमारे दीवार के एजेस है वहाँ से लेकर हमने दूसरा वॉल पुट्टी का जहाँ पर छोड़ा था उसके ऊपर ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने से हमें दोस्तों जो एक अलग से पट्टा दिखता है वो नहीं दिखता है, वो फिनिशिंग लगता है कि एक ही साथ में पूरी वॉल पर किया है वो वैसा। इसलिए हमेशा आपको ओवरलैप करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ओवरलैप भी उतना नहीं करना है कि छोटा सा, वो उसके ऊपर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, उतना हमें ओवरलैप करना है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। और मैं हो सके उतनी पतला लेयर लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें आगे बताया वैसे पपड़े का डर ना रहे इसकी वजह से। हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट पहला कोट है वो हमने कंप्लीट करने के लिए आ चुके हैं, और नीचे के दो पार्ट बाकी है, वहाँ पे हम दो बार घुमाएंगे तो ये पूरा फर्स्ट कोट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, ताकि आने वाली सारी पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बात कर रहे थे दोस्तों हमारा फर्स्ट कोट की, तो अभी हमारा फर्स्ट कोट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। एक बार हम लगाते हैं तो हमारा फर्स्ट कोट ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आपको सेकंड कोट की प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों आपको याद रखना है हमारा ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब मैं आपको सेकंड कोट के बारे में बताता हूँ। सेकंड कोट करने से पहले भी हमें एक बार जो हमारी वॉल पुट्टी उसे 4 घंटे सूखने देना पड़ता है, और उसके बाद आप सेकंड कोट लगा सकते हो। दोस्तों सेकंड कोट स्टार्ट करने से पहले हमें जो फर्स्ट कोट की एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी हमें वॉल पर लगाई थी, यानी कि हमने ब्लेड से किया था, तो कहीं पे लाइंस या फिर कहीं पे मोटी या फिर कहीं पे ज़्यादा वॉल पुट्टी लग चुकी है, तो उसे हमें ऐसे पुट्टी ब्लेड से अच्छे से पहले साफ़ कर देना है, यानी कि हमारी वॉल को स्मूथ कर लेना है, क्योंकि अभी हम इसे सैंड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हमें पुट्टी ब्लेड से करना पड़ता है, और काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि वो उतनी जल्दी निकल भी जाता है। उसके बाद हमने याद रखना है कि पहला कोट हमने आड़ा लगाया था, तो दूसरा कोट हम जब लगाएंगे तो उसे स्ट्रेट यानी कि सीधा लगाना है, तो ये क्रॉस बन जाता है, तो उसकी वजह से कहीं पर भी छूट चुका हुआ या फिर कहीं पर अनइवन हो तो वो कवर कर लेता है, और काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें इसका प्रॉपर वर्क देखने को मिलता है वॉल पुट्टी का। तो दोस्तों दूसरा कोट में यही मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें ओवरलैप करना है, पहले आडा लगाया तो दूसरा स्ट्रेट लगाना है, इस प्रोसेस में हमें करना है। दूसरा कोट भी हम दोस्तों आप देख सकते हो कि ठीक लेयर नहीं लगा रहे, बस उतना लेयर हम लगाएंगे कि हमारी जो वॉल के धब्बे हैं पीछे वो एकदम प्योर वाइट हो जाए, यानी कि हमारा एकदम क्लियर वॉल पुट्टी लगी वैसे लगे, कहीं पे धब्बे वगैरह ना दिखे। और वो थोड़ा बहुत होता है तो हम सैंड करने के बाद इसे एकदम प्लेन हो जाती है और एकदम पतला लेयर लगता है। तो ये दोस्तों पूरी प्रोसेस होती है कि हमें वॉल पुट्टी पर अच्छे से कैसे करना है। आप कहीं भी घर पे करवाओ तो उसके बजाय
मोटा लेयर मत लगाना कभी भी, हो सके उतना पतला लेयर में फिनिशिंग के साथ लगवाओ, क्योंकि वो हमारे आगे जाके कलर में भी काफ़ी इफेक्ट करता है। क्योंकि जितना मोटा लेयर होगा उतना प्राइमर भी ज़्यादा सक करेगा, यानी कि वो उसके ऊपर ज़्यादा प्राइमर अप्लाई करना पड़ेगा और कलर में भी आगे ऐसे कोस्टिंग आएगी, तो हमारा भी आगे नुकसान है। दिखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटा लेयर पर वो काम नहीं करता है, पतला लेयर और फिनिशिंग के साथ लगता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो में कुछ इस तरह से मैंने आपको दो कोट की माहिती दी है। आपको ये माहिती पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए, ताकि आने वाली सारे पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहुँच जाए। और आगे की आप क्या टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं वो हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी कुछ समय से कमेंट भी काफ़ी कम आ रहे हैं और व्यूज़ भी थोड़े कम हो चुके हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक थी, आपको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।